प्रिय कृषक बंधुओं, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पौधे के मुख्य पोषक तत्व के बारे में जानेंगे। पौधे के मुख्य पोषक तत्व के क्या कार्य हैं, इनके पौधों में कमी के लक्षण क्या है और किस प्रकार से किसान भाई इनका प्रबंधन कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार पेड़ पौधों को भी भोजन एवं पोषण की जरूरत पड़ती है। पौधे अपना भोजन मुख्य पोषक तत्व के रूप में अगर बात करें तो हवा तथा पानी द्वारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्राप्त कर लेते हैं, जबकि भूमि से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो कि मुख्य पोषक तत्व है उनको प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन के कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। यह पौधों को हरा रखता है, तनों, शाखाओं एवं पत्तियों के स्वास्थ्य एवं वृद्धि में सहायक होता है। मिट्टी में इसकी अधिकता से पौधे बढ़कर गिर जाते हैं, रोगों एवं कीटों का प्रकोप भी बढ़ जाता है, दाने कम बनते हैं तथा विलंब से पकते हैं। नाइट्रोजन के कमी के लक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। पत्तियों का पीला पड़ना एवं पौधों की वृद्धि रुक जाना इत्यादि कमी के लक्षण नीचे की पत्तियों में शुरू होकर ऊपर की ओर बढ़ते हैं। अधिक कमी की स्थिति में पत्तियां भूरे रंग की हो जाती है और अंततः सूख जाती है। इसके प्रबंधन के लिए किसान बंधु गोबर की खाद, हरी खाद, खल्लियां, जीवाणु खाद और नत्रजन उपलब्ध कराने वाले अन्य रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया आदि से इसकी आपूर्ति मिट्टी में कर सकते हैं। रासायनिक उर्वरकों के अभाव में एवं मूल्यवान होने के कारण इनका प्रयोग कार्बनिक खाद एवं जीवाणु खाद के साथ करने से उर्वरक की दक्षता, मिट्टी की उर्वरा शक्ति और उपज शक्ति में वृद्धि होती है। प्रिय किसान भाइयों, हमारी वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना न भूलें, साथ ही अपना सुझाव जरूर कमेंट करें। मुख्य पोषक तत्व तो फास्फोरस के कार्य, यह पौधों की जड़ वृद्धि में अधिक सहायक है एवं दानों को पुष्ट बनाता है। यह आवश्यकता से अधिक नत्रजन के हानिकारक प्रभाव को भी दूर करता है तथा कीटों एवं रोगों के प्रकोप को भी रोकता है। फसलों को समय पर पकने में सहायता करता है। मुख्य पोषक तत्व फास्फोरस के कमी के लक्षण, पत्तियों की सिराओं का मध्य भाग लाल या बैंगनी या भूरे रंग का हो जाता है और इसके जोड़ों की वृद्धि भी रुक जाती है। पौधा बौना दिखाई देने लगता है एवं फूल भी विलंब से आते हैं। फलों का रंग भूरा हो जाता है। कमी के लक्षण निचली पत्तियों से शुरू होकर ऊपर की ओर बढ़ता है। मुख्य पोषक तत्व फास्फोरस के प्रबंधन की अगर बात करें तो गोबर की खाद, हरी खाद, खल्लियां और अन्य फास्फोरस उपलब्ध कराने वाले रासायनिक उर्वरक जैसे SSP, DAP आदि एवं जैविक उर्वरकों से इसकी पूर्ति मिट्टी में की जा सकती है। जैविक खाद के साथ फास्फेट को घुलनशील बनाने वाले फास्फोबैक्टीरिया के साथ व्यवहार करने से चूना युक्त एवं अम्लीय मिट्टी में उपलब्ध फास्फोरस की मात्रा बढ़ती है। मुख्य पोषक तत्व पोटेशियम के कार्य के बारे में जानते हैं। पौधों की कोशिका में आयनिक संतुलन बनाना, पौधों में जल धारण की क्षमता को बढ़ाना, पर्णहरित का निर्माण करना, प्रकाश संश्लेषण में सहयोग देना एवं पत्ती के रंध्र को खोलने और बंद होने में यह तत्व सहायक होता है। साथ ही साथ पौधों में प्रतिकूल मौसम, कीटों एवं व्याधियों से बचने की क्षमता में भी वृद्धि लाता है और तना डंठलों को मजबूत बनाता है। अब कमी के लक्षण के बारे में जानते हैं। पौधों की निचली पत्तियों के किनारे झुलसे हुए दिखाई पड़ते हैं जो बीच में पत्ती को सुखा देते हैं। निर्जीव रेशों के धब्बे प्रायः पत्तियों को नोकों से शुरू होकर किनारे किनारे आधार की ओर बढ़ते हैं और पौधे के छोरों पर डंठल आदि पतले होते हैं। मुख्य पोषक तत्व पोटेशियम के प्रबंधन की अगर बात करें तो किसान भाइयों, नत्रजन एवं फास्फोरस की तरह पोटेशियम की पूर्ति मिट्टी में गोबर की खाद, खल्लियां और पोटेशियम उपलब्ध कराने वाले रासायनिक उर्वरक जिसे MOP आदि से की जाती है।
फिर मिलते हैं किसी दूसरे विषय पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम एवं वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।